हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गेटवे क्लासेस तो बच्चों अब हम लेके आए हैं आपके लिए यूनिट नंबर फाइव का वन शॉट फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप लोगों की स्टूडेंट्स की सभी की काफी रिक्वायरमेंट थी कि यूनिट फाइव का वन शॉट लाया जाए क्योंकि उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही थी जेफेट मॉसफेट से लेके तो उसी चीजों को फॉलो करते हुए आप लोगों के लिए अब है यूनिट फाइव का वन शॉट जिसमें आपका कंप्लीट ए सिलेबस कवर किया गया है तो आप लोग जानते हो कि आपका जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है ए का उसके हिसाब से आपको पढ़ना है इसमें फेट एफई टी दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर उसकी डीसी बाइसिंग स्कीम्स पढ़नी है मॉसफेट दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मॉस कैपेसिटर एंड सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स तो शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर फाइव के वन शॉट की सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है एफई टी वो दो टाइप के होते हैं जेफेड एंड मॉसफेट सो जेफेट इजन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसमें कि हमारे पास दो वराइटी हो सकती है एन चैनल जेफेट एंड पी चैनलरली मॉसफेट स्टैंडल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर और इसके अगेन दो टाइप होते हैं डिप्लूशन टाइप मॉसफेट एंड एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लूशन टाइप मॉसफेट भी अगेन एन चैनल पी चैनल में डिवाइड हो सकता है और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट भी अगेन एन चैनल पी चैनल में डिवाइड हो सकता है तो शुरुआत करेंगे जेफेड से जेफेट बेसिकली बीजेटी की तरह एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है जैसे कि आप जानते हो कि बीजेटी होता टर्मिनल बाकी दोनों टर्मिनल के बीच से बहने वाले करंट को कंट्रोल करता है ठीक है टोटल क्या है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है तीन टर्मिनल है एक दो तीन और एक जो टर्मिनल है फॉर एग्जाम्पल गेट यहां पे जो ये टर्मिनल है वो बाकी दोनों टर्मिनल के बीच से बहने वाले करंट को कंट्रोल कर रहा है ठीक है दिस इज योर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और जो तो, तीन इसके टर्मिनल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो क्या क्या है ड्रेन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी सोर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस एंड गेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी

क्योंकि जो इसमें मेन मटीरियल है जो ये चैनल बन रहा है बीच का ये क्या है एन है एन टाइप के सबस्ट्रेट से हमने एक चैनल क्रिएट किया बीच में उसके दोनों साइड हमने पी टाइप के सबस्ट्रेट की डोपिंग करी हुई है ठीक है ना तो ये मेरा क्या बन गया दिस विल बी कॉल्ड एन चैनल जे फैट जो बीच का मेरा चैनल है उसमें जो डिवाइस है मेरी उसमें जिस टाइप का सेमी कंडक्टर है उस टाइप का ही मेरा जेफेट होगा एन चैनल जेफेट ठीक है अब इससे हमने क्या किया ओमिक कांटेक्ट क्रिएट किए दीज आर ओमिक कॉन्टेक्ट वन टू एंड थ्री और इसके तीन टर्मिनल्स बनाए कौन कौन से तीन टर्मिनल अभी हमने पीछे पढ़ा ड्रेन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी सोर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस एंड गेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी ठीक है ये जो गेट है ये इंटरनली यहां से भी कनेक्टेड होता है मतलब ये जो दो पी टाइप के रीजन हैं, ये इंटरनली गेट के साथ कनेक्टेड रहेंगे ठीक है तो ये मेरे बन गई जे एन चैनल जेफेट की एक बेसिक कंस्ट्रक्शन अब बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं है, मैम आप एक चैनल बता रहे हो दूसरे चैनल का क्या तो वो भी मैं आपको बताऊंगी पी चैनल बस क्या अंतर है यहाँ पे पी चैनल आ जाएगा बीच में और ये दोनों जो रीजन है डोप्ड रीजन वो एन चैनल के हो जाएंगे एन टाइप के हो जाएंगे ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग जानते हो

और नेगेटिव एंड को यहां सोर्स से कनेक्ट कर दिया ठीक है क्या किया फिर से देखिए गेट को हमने जीरो बायस पे रखा है और ड्रेन टर्मिनल पे हमने एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाई है जिसको हम कह रहे हैं वीडीएस ठीक है नाउ दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल बी कॉल्ड कॉमन सोर्स टाइप कॉन्फ़िगरेशन है ना कॉमन सोर्स क्यों कहेंगे इसको क्योंकि आप देख सकते हो कि जो ये सोर्स टर्मिनल है ये गेट के साथ भी कनेक्टेड है

उसके अंदर मेजोरिटी कैरियर्स क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है चीज हम सेमीकंडक्टर से पढ़ चुके हैं कि अगर मेरा टाइप टाइप का डिवाइस डिवाइस है N है तो इसमें कैरियर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ पुल होंगे क्यों होंगे क्योंकि हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ठीक है ना तो ये जो एन चैनल है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में बहना शुरू कर देंगे बैटरी की तरफ को बहना शुरू कर देंगे और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जानते हैं कि जो मेरी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उससे उल्टी दिशा में मेरा करंट बहता है ठीक है अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शुरू हो चुका है फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बहने शुरू हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक इस डायरेक्शन में शुरू हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि इससे जो अपोजिट डायरेक्शन है यहाँ पे करंट का फ्लो स्टैब्लिश हो जाएगा ठीक है तो अगर आ, मेरे इस एन चैनल के डिवाइस में से इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल पे तो मेरा जो ड्रेन करंट होगा आईडी वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाएगा दैट मीन्स ड्रेन करंट जो है वो लाइक दिस ये जो ड्रेन करंट है आई डी रिप्रेजेंटेड बाई आई डी ऐसे ड्रेन करंट बहेगा यहां से एग्जिट लेगा यहां से जब एग्जिट लेगा तो हम इसे क्या कहेंगे वी कॉल इट सोर्स करंट आई एस ठीक है तो देखिए जैसे जैसे बी और आईडी के बीच में हमने कर्फ प्लॉट किया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन आई है ये क्या कहती है कि जैसे जैसे आप वीडियस को बढ़ाते जाओगे पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल होंगे और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल होंगे उसके अपोजिट उतने ज्यादा मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करेगा दैट मीन करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा इंक्रीज होगा आईडी विल इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन वीडीएस जैसे जैसे वीडीएस बढ़ रहा है लीनियरली आईडी आपका इंक्रीज हो रहा है <coughs> यही सब थ्योरी यहां पे लिखी गई है जो मैंने आपको समझा दिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द इंस्टेंट विडियस इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन्स विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स द ड्रेन टर्मिनल

वहीं चलिए मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ देखो हमारा ये था डिवाइस ये था हमारा एन चैनल दो तरफ हमने पी टाइप के सब्सटेंस की डोपिंग करी ठीक है तो इसके अंदर छोटी सी डिप्लीशन रीजन यहाँ बनी छोटी सी डिप्लीशन रीजन यहाँ बनी यहाँ पे था हमारा ड्रेन टर्मिनल इधर है हमारा गेट और इधर है हमारा सोर्स अब दूसरा कलर ले लेते हैं तो पहले तो मैंने क्या किया गेट पे जीरो लगाया इसको यहां करके दे दिया, तो मेरा तो प्लस तो जो और बैटरी है वो क्या कर रही थी यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींच रही थी इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ खींच रही थी तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो ड्रेन करंट ऐसे बह रहा है आईडी विल बी स्टैब्लिश इन दिस डायरेक्शन यहाँ से एग्जिट लेगा और आई बन जाएगा ठीक है यह प्रोसेस हो रही थी आपकी पूरी लेकिन जब हमने इस डिवाइस को बाइसिंग दे दी अब जब हमने इस डिवाइस पर तो आप देखो एन टाइप के डिवाइस को आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया मतलब आप क्या कर रहे हो रिवर्स बाइसिंग कर रहे हो ठीक है ना रिवर्स बाइसिंग क्या होती है जब हम पी टाइप के रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें

तो इस तरीके से मेरी ये डिप्लीशन रीजन वाइड होती चली जाएगी ठीक है <coughs> क्या होगा कि एक ऐसा आएगा कि ये जो मेरी डिप्लीशन रीजन है वो इतनी वाइड हो जाएगी ऊपर की तरफ से कि दोनों डिप्लीशन रीजन दोनों तरफ से एक जंक्शन के लिए एक स्टॉपेज बना देंगी स्टॉप हो जाएगा ये दोनों मिल जाएंगी आपस में और जो आपका चैनल था

लेकिन ड्रेन करंट जीरो पे फॉल नहीं होता यहां पे जो मेरा ड्रेन करंट है दैट बिकम्स सैचुरेट ड्रेन करंट सैचुरेट हो जाता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर रुक जाता है सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज डिनोटेड बाय आईडीएसएस एंड इट इज द वैल्यू व्हिच इज अचीव्ड व्हेन पिंच ऑफ अकर्स ठीक है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगी वीडीएस उसको हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज डिनोटेड बाय वीपी

वेरी स्मॉल चैनल स्टिल एग्जिस्ट विदिटी प्रैक्टिकली हम ऐसा कहते हैं कि, uh, मतलब, है कि रास्ता बंद हो गया बट थियोर सॉरी थ्योरिटिकली हम ऐसा कहते हैं कि रास्ता बंद हो गया पिंच ऑफ हो गया बट प्रैक्टिकली एक बहुत मामूलीजेबल साइडियाम वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट फॉर जे फैट

नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने वीडियस को तो पॉजिटिव लगाया था और बी को पॉजिटिवली बढ़ाया था लेकिन वीजीएस दिया था नाउ व्हाट विल द गेट टर्मिनल ठीक है व्हेन वीजीएस इज इक्वल टू लेस देन जीरो वोल्ट अगर हम वी पे नेगेटिव वोल्टेज लगाए तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो हमने जब ये वनशॉट शुरू किया था तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि ये जो जेफेट होता है हमारा इसमें तीन टर्मिनल है गेट ड्रेन एंड सोर्स और एक टर्मिनल बाकी के दोनों टर्मिनल के बीच से बहने वाले करंट को कंट्रोल कर सकता है तो वो जो कंट्रोलिंग टर्मिनल है दैट इज गेट ठीक है गेट इज द कंट्रोलिंग टर्मिनल विच कैन एक्चुअली कंट्रोल द करंट विच इज फ्लोइंग बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल ठीक है कैसे करेगा अब पता चल जाएगा आपको तो जैसे ही हम अपने गेट पे नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा देखो गेट पे हमने जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल दिया माइनस ओके और यहाँ पे हमने वी पॉजिटिव नेगेटिव लगा रखा है ऑलरेडी पहले की तरह बस फर्क क्या हुआ अब वीजीएस को हमने जीरो ना करके माइनस वीजीएस दे दिया ठीक है तो माइनस वीजीएस देने से आप क्या कर रहे हो नाउ यू आर अप्लाइंग नेगेटिव टू पॉजिटिव पी चैनल टाइप के डिवाइस को आप नेगेटिव दे रहे हो आप रिवर्स की कंडीशन को बढ़ा रहे, फिर से आप क्या कर रहे यहां तो हो, होनेसिंग की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहे हो उल्टा तो रिवर्स बाइसिंग बढ़ने से क्या होगा डिप्लीशन रीजन मेरा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और जो पिंच ऑफ की सिचुएशन थी जो चैनल बंद होने वाली सिचुएशन थी वो जल्दी आ जाएगी ठीक है तो जैसे जैसे आप अपने गेट पे नेगेटिव वोल्टेज लगाते जाओगे उस और उस नेगेटिव वोल्टेज की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके डिवाइस में पिंच ऑफ होने की संभावना जल्दी हो जाएगी ठीक है ना पिंच ऑफ जल्दी क्यों होगा क्योंकि डिप्लीशन रीजन जल्दी फैलेगा रिवर्स बाइसिंग तेजी से बढ़ेगी <laughs> इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं अगेन दिस डायग्राम इज प्लॉटेड बिटवीन आईडी दिस इज आई डी ट्रेन ग्रेड एंड दिस इज वीडियस तो जनरली क्या होगा शुरुआत में आपका जो वीडीएस uh, है उसके बढ़ाने के साथ साथ आपका आईडी बढ़ रहा है ऐसे ठीक है ना लेकिन जैसे ही पिंच ऑफ हुआ पिंच ऑफ होने के बाद आपका ट्रेन करंट सैचुरेट हो गया एट अ इक्वल टू आई डी एस एस दिस वॉज द कर फॉर इक्वल्स टू जीरो वोल्ट ठीक है लेकिन जैसे ही आपने वीजीएस पे माइनस वन वोल्ट लगाया तो ये जो पिंच ऑफ वाली सिचुएशन थी ये थोड़ी सरक के पहले आ जाएगी मतलब जो आपका चैनल है उसमें पिंच ऑफ जल्दी हो जाएगा क्योंकि रिवर्स बाइस से बढ़ गई सिमिलरली जैसे ही आप वीजीएस की नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाते जाओगे ये जो कर्व है ये थोड़ा पीछे की तरफ खिसकता जाएगा और आई की वैल्यू कम होती जाएगी ठीक है यहाँ पे आईडीएस की वैल्यू कम हो गई फिर यहां तक आई और कम हो गई यहाँ तक आए और कम हो गई ठीक है ना तो कहने का क्या मतलब है कि जो आपका गेट टर्मिनल है वो ड्रेन और सोर्स के बीच से बहने वाले करंट को कंट्रोल कर सकता है अगर हम गेट पे जीरो लगाए तब तो उसका एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है लेकिन जैसे ही आपने गेट पे नेगेटिव लगाया तो वो कंट्रोल जो करंट है वो लिमिट होना शुरू हो गया वो करंट गिरना शुरू हो गया ठीक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स करंट मिल रहा है ड्रेन करंट बट इट इज कंट्रोल्ड बाई गेट वोल्टेज जल्दी हो जा रहा है वही डाइग्राम है जो पीछे दिखाया गया था बस यहाँ पे एक फुल फ्लैश डायग्राम फिर से आपकी नॉलेज के लिए दिखाया गया दिस इज वीडियस टेकन हेयर इन वोल्ड एंड दिस इज ड्रेन करेंट आईडी इन मिली एम पीअर ठीक है सो बीजेस टू जीरो पिंच बट जैसे ही आपने बीजेस टू माइनस वन वोल्ट लगाया तो ये आपका कर् ड्रॉप हो जाता है आई डी एस एस की वैल्यू भी यहाँ पे ड्रॉप हो गई आठ से चार रह गई ठीक है और यहाँ पे आपका पिंच ऑफ सिचुएशन भी जल्दी आ गया सिमिलरली जैसे जैसे बीजेएस की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है कर्फ हमारा इस तरफ शिफ्ट होता जा रहा है ठीक है इस के बेसिकली दो रीजन होते हैं जो आपका आ, पिंच ऑफ से इधर वाला रीजन है ऑफ से दिस साइड सैचुरेशन रीजन और इसमें लीनियर एम्पलीफायर्स की जो एप्लीकेशन है वो यूज की जाती है लीनियर एम्पलीफायर्स आर डिजाइंड रीजन नेक्स्ट जो आपकी आ, पिंच ऑफ से पहले की सिचुएशन है इधर की साइड की इसको हम कहते हैं ओमिक रीजन ठीक है द रीजन राइट टू द पिंच ऑफ इज द रीजन टिपिकली इम्प्लॉयड इन लीनियर एम्पलीफायर्स वही चीज है जो मैंने भी आपको डायग्राम के थ्रू बताई है एंड इज कॉमनली रेफर टू एज एसटेंट करंट सैचुरेशन और लीनियर एम्पलीफिकेशन रीजन नाउ वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टर तो द रीजन ऑफ पिंच ऑफ जो है आपने देखा वो वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस रीजन भी उसको हम कहते हैं ठीक है ओमिक रीजन कौन सा था दोबारा देख लीजिए ओमिक रीजन इज दिस वन ऑफ से इधर वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टेंस रीजन भी कहते हैं और इसके अंदर इस पर्टिकुलर एरिया में जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस वैल्यू द इज गिवन इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाई वन माइनस अपॉन का होल स्क्वायर ठीक है वेयर आर नॉट इज द रेजिस्टेंस विद विदीएस इज इक्वल टू जीरो आर डी इज द रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ वीजीएस पी चैनल जेफेट क्या होगा पी चैनल जेफेट में उल्टा हो जाएगा सब चीजें बाकी सेम देखो सिंपल सी फंडा है आप एन चैनल तैयार करो या पी चैनल तैयार करो अगर आपने फॉर एग्जांपल एन चैनल डिवाइस तैयार किया है और पी चैनल आपसे पूछ लिया गया, गया एग्जाम में तो आप क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे पी को एन से रिप्लेस करना है एन को पी से रिप्लेस करना है सारे करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है ठीक है देखो ये क्या है पी चैनल डिवाइस है तो यहाँ पे पी है बीच में और एन चैनल की एन साइड की हमने डोपिंग करी है दोनों तरफ छोटा छोटा डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं इनिशियली हमने गेट को 0 पे लगाया और इस बार हमने को क्या दिया? दिया. लगाया. तो, लगाया तो क्या हुआ पी टाइप के अंदर क्या होते हैं मेजोरिटी कैरियर बी चार्ज सो दीज पॉजिटिव होल्स विल बी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड करंट विल बी स्टैब्लिश इन द सेम डायरेक्शन एज द फ्लो ऑफ होल्स देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने लायक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर ये है तो करंट का फ्लो इससे अपोजिट होगा लेकिन अगर होल्स का फ्लो होल्स आर पॉजिटिव अगर होल्स का फ्लो ये है तो करंट का फ्लो भी यही होगा ठीक है ना करंट फ्लो ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स

वैसे वैसे आपका कर्व ये बढ़ेगा करंट फिर पिंच ऑफ पे सैचुरेशन और यहाँ पे ये ब्रेक डाउन रीजन इस तरीके से हमारे को दिखाई देता है दिस इज इज समथिंग एडिशनल फॉर पी चैनल जिसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हो मेमोराइज कर सकते हो अच्छा एक और पॉइंट था वीजीएस टू जीरो वोल्ट पे हाइएस्ट मिलता है वहां पे क्या था एन चैनल में जैसे जैसे हम वीजीएस पे नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे थे तो हमारा कर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा था ठीक है यहाँ पे क्या होगा पी चैनल में जैसे जैसे आप VGS पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे वैसे वैसे आपका कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होगा पिंच ऑफ जो कंडीशन है वो जल्दी अराइव होगी ठीक है सिंबल्स की बात करें तो एन चैनल और जे जे चैनल जे फेड के सॉरी पी चैनल जे फेड के लिए इस तरह से आप सिंबल बना सकते हैं बहुत सिंपल है ड्रेन टर्मिनल गेट टर्मिनल सोर्स टर्मिनल तीन टर्मिनल बना दिए और करंट की डायरेक्शन बता दी एन चैनल जेफेट में ड्रेन करंट हमेशा अंदर की तरफ फ्लो करता है ठीक है और गेट करंट भी हमेशा अंदर की तरफ फ्लो करता है जबकि आपके पी चैनल जेफेट में ड्रेन करंट बाहर की तरफ फ्लो करेगा और गेट करंट भी बाहर की तरफ फ्लो करेगा ठीक है सो दीज आर द सिंबल्स फॉर एन चैनल एंड पी चैनल जेफेट फाइनली एक ही रिलेशनशिप है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल ऑल्सो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी इससे पूछ लिए जाते हैं माय ड्रेन करंट आई इक्वल टू से और यहाँ पे दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक बना रखी है इसको रिपीट इसलिए किया गया क्योंकि हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखी थी तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक जो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी आईडी डी और वीडियस के बीच में दिस इज कॉल्ड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक

आईडी के बीच में तो ड्रेन करंट तो फिर से आईडी तो आपने यही लिया आईडी इन मिली एम्पियर ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे आपकी बार आपने लिया वीजीएस इन वोल्ट तो जब वीजीएस जीरो था वेन वीजीएस वाज जीरो आईडी ड्रेन करंट वाज मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू आईडी ठीक है ना फिर जैसे-जैसे आपने VGS को बढ़ाते गए नेगेटिवली नेगेटिवली VGS इंक्रीज होता गया और ID SS नेगेटिवली ID जो है वो रिड्यूस होता गया तो इस तरह से हमें मिल जाती है इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपके प्रीवियस ईयर में एक न्यूमेरिकल आया हुआ है एन चैनल जेफेट हैज अ पिंच ऑफ वैल्यू ऑफ दिस तो VP आपको गिवन है ID आपको गिवन है एट व्हाट वैल्यू ऑफ वोल्टेज VGS, IDS will be equal to 3 और आपको आईडीएस बीवन है क्या निकालना है हमें वीजीएस तो जो हमने अभी फॉर्मूला देखा होल स्क्वायर ठीक है मैंने आप लोगों को बताया था अभी की जेफेड को हम और क्या कहते हैं इट इसल वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स क्यों कहते हैं क्योंकि हमारा जो गेट करंट है सॉरी जो गेट वोल्टेज है VGS, gate voltage VGS, ंग द ड्रेन कनें आई डी ठीक है that is MOSFET. So, MOSFET जो टॉपिक है बेसिकली हमारे दो टाइप के हो सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज इट्स फुल फॉर्म इट्स फुल फॉर्म इज मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ठीक है और यह दो टाइप के होते हैं डिप्लिशन टाइप मॉसफेड एंड एनहांसमेंट टाइप मॉसफेड

ठीक है तो आप देख रहे हो कि इस तरह के डिवाइस में जो चैनल है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है डिवाइस में दैट्स इट इज कॉल्ड डिप्लीशन टाइप एन चैनल मॉस्फेट ठीक है दूसरा फिर क्या किया हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगाई उसके पीछे चलेंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगाई फिर हमने लगाए मेटल कॉन्टेक्ट दीज आर माई जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं वन टू थ्री फोर ये जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं ये है मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स तो मेटल कॉन्टेक्ट के थ्रू हमने इसके टर्मिनल्स टर्मिनल किए बीच में यहां पे लगाया गेट ठीक है सबसे नीचे सोर्स और सबसे इधर हमने लगाया ड्रेन ठीक है एंड दिस विल बी तो रेड आर मेटल अब आप लोगों को समझ में आया कि इसका नाम मॉस्फेट क्यों है मॉस्फेट का क्या मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तो मेटल कहां से आया मेटल कॉन्टेक्ट के थ्रू मेटल कॉन्टेक्ट इसमें यूज किए गए हैं तो वहां से मेरा वर्ड आया मेटल ऑक्साइड कहां से आया क्योंकि इसमें सिलीकन डाइऑक्साइड की लेयर हम यूज कर रहे हैं दैट्स नेम इज ऑक्साइड मेटल कंडक्टर सेमी कंडक्टर क्यों क्योंकि आप अंदर जो एन चैनल और पी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हो दीज आर सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर तो तीनों टर्म्स आ गए मेरी जस्टिफाई हो गई मेटल कॉन्टेक्ट्स की वजह से मेटल आया ऑक्साइड सिलीकन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से ऑक्साइड वर्ड आया और सेमीकंडक्टर कंडक्टर क्योंकि आप यूज कर रहे हो तो सेमीकंडक्टर ठीक है <coughs> दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका मॉस्फेट है इसको आईजी फेट भी कहते हैं आईजी जी का क्या फुल फॉर्म है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों कहा गया देखिए जो आपका ड्रेन टर्मिनल है और जो आपका सोर्स टर्मिनल है ये दोनों मेटल कॉन्टेक्ट से चैनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है ठीक है लेकिन जो आपका गेट है उसमें आप देखो कि मेटल कॉन्टेक्ट केवल यहीं तक है चैनल तक नहीं जा रहा चैनल को और गेट uh, को आपने सिलिकॉन की लेयर से इंसुलेट योर एंड चैनल ठीक है ना तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो मेरा गेट है वो इंसुलेटेड है दैट इज नॉट कनेक्टेड टू चैनल थ्रू मेटल कॉन्टेक्ट यहाँ पे बीच में कोई मेटल कॉन्टेक्ट इनके नहीं है That's why this device MOSFET is also known as insulated gate field effect transistor or IGFET. ठीक okay? है ये सब वही कंस्ट्रक्शन है uh, उसी की थ्योरी जो मैंने अभी आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया तो नो नीड ऑफ रीडिंग इट अगेन गेट इज आल्सो कनेक्टेड टू गेट रिमेंस इंसुलेटेड ठीक है गेट रिमेंस इंसुलेटेड फ्रॉम एन चैनल बाय अ थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एस आई यू टू इज ए इंसुलेटर इंसुलेटर की तरह काम करता है ठीक है द फैक्ट दैट एस आई यू टू लेर इज नो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन गेट एंड चैनल ऑफ मॉसफेट ठीक है ना तो कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता बिटवीन गेट एंड चैनल ऑफ मॉसफेट इट इज द इंसुलेटिंग लेफ सिलीकन डाइऑक्साइड

गेट टू सोर्स वोल्टेज इज सेट टू जीरो सो अब आ गया इसका वर्किंग अगेन थ्योरी आपको तभी समझ में आएंगे पूरा पूरा समझ तो समझते उसके बाद अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाएगा that तो यह रहा आपका एक एन चैनल मॉसफेट डिप्लिशन टाइप का डिप्लिशन टाइप का क्यों क्योंकि इसमें एन का चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट है पी टाइप का सबस्ट्रेट है ठीक है वही वाला डायग्राम है पूरा का पूरा बस इसमें हमने बाइसिंग कर दी बाइसिंग में क्या किया अगेन गेट को हमने जीरो पे रखा जैसे पहले किया था गेट और सोर्स को ग्राउंड कर दिया तो VGS इज इक्वल टू जीरो वोल्ट और ड्रेन टर्मिनल पे हमने पॉजिटिव VDS लगा दी जैसा जेफेट में किया था सेम वैसा का वैसा किया ठीक है ना तो ड्रेन टर्मिनल पे जैसे ही मैंने पॉजिटिव वीडीएस लगाई तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन चैनल में और क्या सेम वही प्रोसेस याद करिए इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस एन चैनल विल बी पुल्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ठीक है ना तो जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते से बहने शुरू हुए वीडियस की तरफ और तो मेरा ड्रेन करंट जो है वो उल्टी दिशा में बहना शुरू होगा दिस इज माई ड्रेन करंट इस्टिश इन द अपोजिट डायरेक्शन तो ड्रेन करंट मेरा यहां से मेटल कॉन्टेक्ट के थ्रू बहेगा यहां से बहेगा यहां से बहेगा फिर इस मेटल कॉन्टेक्ट से इसे एग्जिट मिल जाएगी यहां से आएगा और सोर्स करंट में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगा तो आई एस विल इक्वल टू आई डी विल इक्वल टू आई डी एस एस है ना और जेफेट की तरह सेम ये प्रोसेस कंटिन्यूड होगा जैसे जैसे आप VZ, को पॉजिटिवली बढ़ाओगे आपका ड्रेन करंट बढ़ेगा फिर सैचुरेशन भी होना है पिंच ऑफ भी होना है अब देखते हैं मॉस्फेट में पिंच ऑफ कैसे होता है <coughs> मॉस्फेट में क्या होगा कि जैसे ही आप गेट पे माइनस नेगेटिव वोल्टेज लगाओगे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं वीजीएस नेगेटिव वोल्टेज सच एज माइनस वन तो जैसे ही आपने माइनस वन यहाँ पे लगाया नेगेटिव तो यहाँ पे एक नेगेटिव की लेयर आ गई ठीक है नेगेटिव की लेयर आ गई तो जो एन चैनल के इलेक्ट्रॉन थे उनको वो धक्का देने लगे अंदर की तरफ क्यों क्योंकि जो लाइट like चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं तो जब इन्होंने तो जो मेरी चैनल थी ये धीरे धीरे खत्म होती जाएगी तो जब ये चैनल ही खत्म हो जाएगी तो करंट कैसे फ्लो करेगा है ना तो क्या होगा यहाँ पे मेरा पिंच ऑफ हो जाएगा ओरिजिनली पिंच ऑफ कैसे हो रहा था यहाँ पे देखो जैसे जैसे आप ड्रेन करंट को वीडियस को पॉजिटिवली बढ़ा रहे हो, रिवर्स बाइसिंग की वजह से वोल्टेज नहीं लगाई लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही आप वीजीएस लगा रहे हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए वो इलेक्ट्रॉन्स को पीछे धक्का देंगे और यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो चैनल है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा तो जब ये लिंक खत्म हो जाएगा इन दो एंड रीजन के बीच में तो आपका ड्रेन करंट स्टॉप ड्रेन करंट विल स्टॉप टू इट्स फाइनल वैल्यू एंड पिंच ऑफ सिचुएशन विल अराइव तो देखो ये जो मेरी एन चैनल मॉसफेड की कैरेक्टरिस्टिक बनती है कुछ कुछ वैसी ही बन रही है जैसे मेरी एन चैनल जेफेट की बन रही थी ठीक है दिस इज द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक फॉर एन चैनल टिप्लीशन टाइप मॉसफेट लगभग वैसी ही है बिल्कुल सेम है तो ये रहा मेरा ड्रेन करंट आईडी इज माई वीडियस वैल्यू तो वीडियस को जैसे जैसे आपने पॉजिटिवली बढ़ायांट आपकी बढ़ी फिर उसके बाद सैचुरेट हो गई ठीक okay? है आप नेगेटिवलीफ तो आपका पिंच ऑफ जल्दी 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 हो जाएगा और ये कर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सिमिलरली इस ड्रेन करेक्टर स्टिक से आप क्या बना सकते हो ट्रांसफर करेक्टर स्टिक

ऑलमोस्ट सिमिलर टू ऑफ एन चैनल जो हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा था क्योंकि उसमें प्रोसेस भी लगभग सेम ही रिपीट हो रहा है बस वो यहाँ पे डिफर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इंसुलेटिंग लेयर यूज कर रहे हैं मेटालिक कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट इज योर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पी चैनल डिप्लीशन टाइप तो देखो एन चैनल में क्या हो रहा था यहाँ पे एन टाइप के आ, लेयर्स थी और उनके बीच में एन चैनल एग्जिस्ट कर रहा था और पी टाइप का सबस्ट्रेट था अगर हम कहेंट बनाइए तो आप क्या करेंगे का ले लेंगे, और पी टाइप के दो लेस यहाँ लेके उनके बीच में एक चैनल क्रिएट कर देंगे क्योंकि चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कहेंगे कौन से टाइप का पी चैनल टाइप का ठीक है फिर से वही किया मेटल कॉन्टेक्ट लिए रेड वाले सारे मेटल कॉन्टेक्ट है मेटल कॉन्टेक्ट के थ्रू आपने अपने टर्मिनल्स बनाए गेट सोर्स सबसे नीचे और ड्रेन इधर की तरफ ठीक है और यहाँ पे सबस्ट्रेट अब उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इंसुलेटिंग लेयर आई बीच में लेकिन गेट और चैनल आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट नहीं रखते तो यहाँ पे मेटल कॉन्टेक्ट आप नहीं बनाएंगे ठीक है सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट अब जो फंक्शनिंग थी वो भी उल्टी हो जाएगी यहाँ पे आप जो वीडियस VDS लगाओगे दैट विल बी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है तो जैसे ही आपने नेगेटिव वोल्टेज लगाई पी चैनल पे तो पी में क्या है मेजोरिटी कैरियर्स होल्स तो होल्स पुल होंगे चैनल से और होल्स जाएंगे बैटरी की तरफ भागेंगे ठीक है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर तो जैसे ही होल्स उधर भागे तो ड्रेन करंट भी आपका सेम डायरेक्शन में एस्टैब्लिश हो गया ठीक है तो ड्रेन करंट होल के डायरेक्शन में ही होता है तो ड्रेन करंट भी बाहर से बैटरी में आएगा यहां से आएगा यहां पे एंटर करेगा और इसका चैनल कंप्लीट देखो करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए एक क्लोज लूप चाहिए है ना तो इसको एक क्लोज लूप मिल रहा है पूरा क्लोज लूप मिल रहा है यहां से ड्रेन करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है सर्किट में आ रहा है सोर्स से अंदर एंटर कर रहा है यहां मेटालिक कॉन्टेक्ट है चैनल के थ्रू वापस जा रहा है ठीक है सो दिस इज द फ्लो ऑफ करंट तो पी चैनल के लिए क्या होगा पी चैनल के लिए आईडी अगेन आई डी बिल्कुल वैसी जैसे कि पी चैनल जे की बनी थी ऑन द एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू होगी आपकी बार VGS को पॉजिटिवली इंक्रीज करने पे आपका ग्राफ नीचे की तरफ को गिरेगा ठीक है उल्टा होगा तो क्योंकि VGS की पॉजिटिव वैल्यू पे ग्राफ नीचे गिर रहा है इसीलिए हम ट्रांसफर करेक्टिस्टिक को आपकी बार घुमा दिया है ना घुमा दिया यहां पे आपका आई का आ गया और वीजीएस तो जीरो होगा तब आपका मैक्सिम आई डी एस एस के बराबर और जैसे जैसे आपका वीजीएस पॉजिटिवली इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका ड्रेन करंट फॉल होगा रिड्यूस होगा ठीक है देखिए एन चैनल और पी चैनल की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइप की हमें कंफिग्रेशन uh, या कंस्ट्रक्शन वर्किंग होती है बस केवल दो रूल याद रखो एन को पी से रिप्लेस करो पी को एन से रिप्लेस करो सारे करंट्स और वोल्टेज की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट क्या होगा और ये डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट से कैसे डिफर करता है तो इनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट जो है ये है डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट की ही तरह कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है केवल एक मेजर डिफरेंस आएगा यहाँ पे आपको जो चैनल होता है वो बना बनाया शुरुआत में नहीं मिलेगा हमको बाइसिंग से एक्सटर्नल बाइसिंग के थ्रू उस चैनल को इंड्यूस करना पड़ेगा डिवाइस में ठीक है तो देखिए देर आर सिमिलैरिटीज इन द कंस्ट्रक्शन एंड मोड ऑफ ऑपरेशन बिटवीन डिप्लीशन टाइप एंड एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट आर डिफरेंट

इज नाउ कट ऑफ ड्रेन आपको दिखाई देगा इज कट ऑफ अंटिल द गेट टू सोर्स वोल्टेज रीच इज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूडिल आपका जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है दैट रीच इज स्पेसिफाइड वैल्यू ये अभी आपको थ्योरेटिकली क्लियर नहीं होगा अभी मैं डायग्राम पे आ रही हूं जस्ट एक मिनट के अंदर तो वहां से ये वाला जो पॉइंट अभी अभी मैंने बोला ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है देखें <coughs> तो यहां पे आपका एक बना है एन चैनल का एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट है तो जाहिर सी बात है कि पी टाइप का सबस्ट्रेट होगा जो उसकी बॉडी होगी वो पी टाइप की होगी और यहाँ पे दो एन टाइप के डिवाइसेस की कि हमने डोपिंग कर रखी है ठीक है लेकिन अभी आप पीछे जो डिप्लीशन टाइप पढ़ रहे थे उसमें आपने क्या देखा था कि ये जो दो एन रीजन हैं, इन दोनों के बीच में ही एक एन, के बीच में भी एक एन टाइप की रीजन है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या है ये जो दो एन टाइप के डोप्ड रीजन है इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि कोई ब्रिज नहीं है कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे से सेपरेटेड है यहाँ एन यहाँ एन खत्म और यहाँ बीच में पी इसको हम पी में गिनेंगे एन में नहीं गिनेंगे तो दीन्स ये चैनल जो है ये कंप्लीट नहीं है सो नो चैनल इज प्रेजेंट एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट एंड डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट ठीक है यहाँ पे आपका चैनल इनिशियली प्रेजेंट नहीं है बाकी की सारी कंस्ट्रक्शन आपकी एज इट इज सेम है सिलीगन डाइऑक्साइड की हमने इंसुलेटिंग लेयर यूज की है जिसे हम ऑक्साइड कहते हैं मेटल के हमने कॉन्टेक्ट यूज किए हैं ठीक है जिसके थ्रू हमने गेट सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स अपने निकाले हुए हैं सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट सिंस नो चैनल इज प्रेजेंट दिस इज कॉल्ड एनहांसमेंट टाइप

फीचर है हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक uh, है आपके एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट की तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर इज स्टिल प्रेजेंट प्रेजेंट सिलिकॉन डाइऑक्साइड की layer, की लेयर ऑक्साइड तरह है इन समरी द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट इज क्वाइट सिमिलर टू डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट एक्सेप्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल ठीक है ना तो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में जो चैनल पहले हुआ करता था डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में उसका ना होना मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन योर डिप्लीशन एंड एनहांस अब इसकी वर्किंग अगर मैं यहां से पढ़ूंगी तो आपको शायद उतना क्लियरली नहीं समझ में आएगा एक बार हम डायग्राम पे चलेंगे तो हमको समझ में आएगा तो देखो आपने देखा था कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में हम क्या कर रहे थे जैसे ही हम वीडियस को पॉजिटिव सेट कर रहे थे तो यहां से

अन इंटरप्टेड पाथ चाहिए तो जब उसको अपना एक पूरा चैनल ही नहीं मिल रहा करंट को तो करंट फ्लो शुरू नहीं होगी चाहे आप वीडियस को पॉजिटिव लगा लो आपकी बार करंट फ्लो कब शुरू होगी इसकी यहाँ पे जो हम करंट फ्लो शुरू करते हैं या जो चैनल को बनाते हैं चैनल को एनहांस करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट वोल्टेज गेट वोल्टेज तो यहाँ पे, तो पे गेट वोल्टेज का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है सो दिस गेट वोल्टेज इज यूज टू फर्स्ट ऑफ ऑल इनहांस द चैनल मतलब चैनल को हमें बनाना पड़ेगा पहले उसके बाद ही हम इस पूरे डिवाइस में करंट फ्लो शुरू करा पाएंगे तो चैनल में करंट सॉरी चैनल को फॉर्मेशन करने के लिए चैनल को बनाने के लिए हमने क्या किया गेट पे एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाई ठीक है तो हमने क्या किया है गेट पे वीजीएस पॉजिटिव वोल्टेज लगाई है जिसकी वजह से यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और हम जानते हैं कि हमारे जो लाइक like चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं दैट ये जो पी टाइप का मटेरियल है इसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे इसके अंदर मेजोरिटी कैरियर्स तो होंगे होल है ना पी टाइप है तो मेजोरिटी कैरियर होंगे इसके होल और इसके माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे इसके माइनॉरिटी कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन तो जितने भी माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन पी टाइप मटेरियल में प्रेजेंट होंगे वो सारे खींचेंगे क्यों क्योंकि हमने गेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रखा है तो ये बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स की एक हो जाएगी यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर बनती चली जाएगी यहां पे जिसकी वजह से क्या होगा एंड टाइप में ये एक तरीके का एक चैनल सा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है ना क्या हो रहा है हम गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहे हैं वो पॉजिटिव पुल जो है इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अनलाइक चार्जेस को ठीक है

करंट कब फ्लो करेगा वेन यू अप्लाई द गेट वोल्टेज वोल्टेजी पॉजिटिव ठीक है आगे देखें बोथ एंड हैव बीन सेट एट सम पॉजिटिव वोल्टेज ग्रेटर देन वोल्ट इस्टैब्लिशिंग द गेट एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सोर्स ठीक है तो जब आप गेट पे कुछ पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हो कि गेट टर्मिनल इज नाउ एट सम पॉजिटिव पोटेंशियल तो जब वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आता है इट विल प्रेशर द होल्स इन साइड दीजन एंड विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द बाउंड्री देखो अनलाइक चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा और जो लाइक uh, चार्जेस like है उनको रिपेल भी करेगा

तो वो पॉजिटिव गेट की तरफ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है एंड दे विल गेट अक्यूमुलेट इन द रीजन नियर द सर्फेस दिस विल चैनल ठीक है तो हमने देखा क्या हुआ बेसिकली जैसे ही आपने VGS को पॉजिटिवली इंक्रीज किया ठीक है जैसे ही आपने वीजीएस को पॉजिटिवली इंक्रीज किया एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे आपका ड्रेन करंट बहना शुरू हो गया क्यों क्योंकि ड्रेन करंट बहने के लिए हमें चैनल फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी चैनल फॉर्मेशन कब हुआ वीजीएस को पॉजिटिव लगाने से हुआ ठीक है तो जिस वैल्यू के बाद आपका ड्रेन करंट एकदम से शूट किया उसको हम यहाँ पे थ्रेश होल्ड वोल्टेज वी टी से डिनोट करेंगे ठीक है दिस विल बी देश होल्ड वोल्टेज वी टी

है ना तो इस वाले मॉसफेट में क्या था इसमें चैनल नहीं था वीजीएस टू जीरो चैनल का फॉर्मेशन किया, चैनल को किया. इसका नेम टाइप उसके बाद क्या होगा उसके बाद की प्रक्रिया लगभग सेम है जैसे कि आपके डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट में थी जैसे ही आप वीडियस को बढ़ाएंगे आपका ड्रेन करंट इनिशियली लीनियरली बढ़ेगा और एक पॉइंट पे जाके ये सैचुरेट हो जाएगा पिंच ऑफ होने की वजह से ठीक है और ड्रेन करंट uh, जब सैचुरेट होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो वो अटेन करता है उसको हम कहते हैं ड्रेन सैचुरेशन करंट आई डी एस एस ठीक है drain current IDSS, as VGS beyond the threshold level, इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ड्रेन करंट सिमिलरली ये आपका ड्रेन करंट बढ़ेगा एज वीजीएस विल क्रॉस द थ्रेश होल्ड वैल्यू

और उस चैनल को हमने कैसे बनाया वीजीएस को पॉजिटिवली इंक्रीज करके करंट को फ्लो कराया बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन चैनल ठीक है तो इस तरीके से कुछ इसका ऑपरेशन होगा आपने गेट पे वीजीएस पॉजिटिव लगाया पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ इसने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया अट्रैक्ट किया तो ये चैनल कंप्लीट हो गया जब चैनल कंप्लीट हो गया तो पॉजिटिव लगाने पे ये जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे बैटरी की तरफ भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में मूव हुए इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो ड्रेन करंट उससे उल्टी डायरेक्शन में आएगा दैट मींस ड्रेन करंट आपका यहां से बहना शुरू हो जाएगा इस चैनल के थ्रू सोर्स से निकल जाएगा और इससे अपना कंप्लीट पाथ मिल जाएगा ठीक है अब देख लेते हैं इसकी कुछ फाइनल uh, कैरेक्टरिस्टिक एक इसमें एक इंपॉर्टेंट कुछ इक्वेशंस uh, है इनको ध्यान रख लें वीडीएसेशन पे जो होती है दैट इज इक्वल टू VGS माइनस देश होल्ड वोल्टेज वी टी ठीक है नेक्स्ट इसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर लें लगभग वैसी ही है जैसी हमने डिप्लीशन में पढ़ी थी बट कुछ फर्क आएगा कहाँ आएगा देखिए ड्रेन करंट आई आपने वाई एक्सिस पे लिया है आपने इधर लिया है, तो हम देखते हैं कि शुरुआत में लिनियरली इंक्रीज होता है और एक पॉइंट के बाद पॉजिटिवली तो बढ़ा रहे हो वीजीएस को पॉजिटिवली इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो यहाँ प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट तो वीजीएस को प्लस 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 करने से आपका क्या हो रहा है ड्रेन करेंट इंक्रीज हो रहा है ठीक है so this is the drain characteristic for n channel enhancement type mosfet another important equation here the drain current is related to vgs and threshold voltage vg by using a constant k so id is equal to k into vgs minus vt ka whole square अब ड्रेन करेक्टरस्टिक से ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कैसे बनाई सिंपल जैसे हम पहले बनाया करते थे ऑन एक्स एक्सिस लेकिन अब की बार वीजीएस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो इसको हम एक्सिस को हमने इधर शिफ्ट कर लिया अगर वीजीएस किसी फिगर में नेगेटिव लेना होता है तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे बन जाता है इधर और इधर ठीक है ना अभी वीजीएस पॉजिटिव लेना है तो हमने वीजीएस को इस डायरेक्शन में लिया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कंसीडर किया है ठीक है तो हम जानते हैं अभी हमने पीछे ये कर्व देखा था जैसे हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं कि आपका जो ड्रेन करंट है वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वोल्टेज वीटी के बाद सडनली राइज़ कर जाता है दैट अबाउट एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट अगर हम पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट की बात करेंगे तो क्या होगा सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर होगा लगभग केवल यहाँ सबस्ट्रेट है वो पी की जगह एन टाइप का हो जाएगा यहाँ जो दो डोब्ड रीजन हैं वो अब एन टाइप की जगह क्या हो गए पी टाइप के हो गए और इन दोनों के बीच में चैनल हो गया खत्म एबसेंट चैनल इज इनिशियली एब्सेंट सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट पी चैनल में क्या होगा देखो पी चैनल में आप चैनल कैसे फॉर्म करोगे यहां पे आपको गेट पे क्या लगाना पड़ेगा नेगेटिव वोल्टेज लगानी पड़ेगी जब नेगेटिव वोल्टेज गेट पे लगाओगे तो नेगेटिव चार्ज आया यहां पे ठीक है नेगेटिव आया तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर धक्का मारा और होल्स जो एन टाइप में माइनॉरिटी है उनको यहाँ कलेक्ट किया अनलाइक चार्जेस अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करके यहाँ ले आया तो जब होल्स को यहाँ ले आया तो यहाँ पे ये चैनल धीरे धीरे कंप्लीट हो गया ठीक है जब चैनल एनहांस हो गया तो जैसे ही आप विडीएस पॉजिटिव लगाओगे तो आपका ड्रेन करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो देखिए आईडी विल फ्लो विद विदीएस सेम लेकिन वीजीएस की वैल्यू नेगेटिव इंक्रीज करने पे अब आपका जो चैनल है वो बनेगा और वो टर्न ऑन होगा देखो वीजीएस को जितना ज्यादा नेगेटिव लगाओगे उतने ज्यादा होल अंदर से अट्रैक्ट हो गए यहां आएंगे और चैनल बनाएंगे और उतना ज्यादा आपका ड्रेन करंट फ्लो होगा ठीक है तो इस बार हमें क्या करना है पी चैनल के लिए वीजीएस को रखा हमने क्या नेगेटिव तो नेगेटिव जैसे जैसे आपने बढ़ाया तो एक पर्टिकुलर थ्रेश होल्ड वोल्टेज क्रॉस करते ही आपका ड्रेन करंट शूट कर गया ठीक है सिमिलरली इस डायग्राम में भी हमको यही देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम वीजीएस की वैल्यू को नेगेटिवली इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है ना यहाँ पे क्या माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स जैसे जैसे हम वीजीएस की वैल्यू को नेगेटिवली इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ही मेरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है मतलब ड्रेन करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस uh, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं आप इनको बारी बारी से देख लीजिए और ये सारे के सारे टॉपिक हमने वन शॉट में कवर कर लिए ऑलरेडी नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का जो काफी इंपॉर्टेंट भी है दस नंबर तक में पूछा जाता है दिस इज मॉस कैपेसिटर ठीक है तो मॉस कैपेसिटर क्या है <coughs> कैपेसिटर सबसे पहले क्या होता है भाई कैपेसिटर आप जानते हो कुछ भी ऐसा डिवाइस जो चार्ज स्टोर कर सके ठीक है ना चार्ज स्टोर कर सके तो मॉस क्यों कहा गया यहाँ पे क्योंकि मॉस तीन चीजों से बना है क्या क्या हो गया मेटल हो गया ऑक्साइड हो गया सेमी हो गया तो मेटल ऑक्साइड सेमी कैसे इस तीनों का कॉम्बिनेशन एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है ठीक है मॉस कैपेसिटर कंजिस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लेयर स्ट्रक्चर ज अ वोल्टेज डिपेंडेंट कपेसिटर इसको हम वोल्टेज डिपेंडेंट कैपेसिटर कहते हैं क्यों क्योंकि मोस्ट ट्रांसिस्टर जितने भी हमारे मॉस ट्रांजिस्टर होते हैं उन सभी में आपका मॉस कैपेसिटर प्रेजेंट होता है एंड इट्स कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन सी डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज अप्लाइड एट द गेट टर्मिनल ये वीजी पे डिपेंड करती है नाउ इसका इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा मॉस कैपेसिटर तो मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर तीन चीज चाहिए हमें तो मेटल क्या लिया हमने मेटल लिया हमने एल्यूमिनियम ठीक है ये मेटल एल्यूमिनियम की लेयर हो गई जिससे हमने गेट कनेक्ट किया दिस इज गेट मेटल फिर ऑक्साइड की लेयर आप जानते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम यूज करते हैं एज एन इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर यहां पर हमने यूज किया इसकी बॉडी के बेस बनाने के लिए ठीक है तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन और वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ योर मॉस कैपेसिटर जिसमें आपके पास तीनों चीजें आ रही है मेटल ऑक्साइड एंड सेमी कंडक्टर ठीक है इसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्यों बताया गया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से आता है वॉट यू मीन बाय मॉस कैपेसिटर डिस्क दशनिंग और वर्किंग ऑफ मॉस कैपैसिटर इन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम तो अगर स्पेसिफाइड है ऑलरेडी की एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक है देखो ये भी बहुत आसान है क्या किया है हमने मेटल लिया एक तरफ एक तरफ एक तरफ ऑक्साइड और तरफ सेमीकंडक्टर जब मैंने आपको शॉर्ट के बैरियर डायोड पढ़ाई थी तब मैंने आपको इस तरह के एनर्जी बैंड्स की पूरी स्टडी कराई थी ठीक है ना यूनिट नंबर टू में तो ये वही है एनर्जी बैंड इट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर तो तीन लेयर आ गई हमारे पास एक तरफ मेटल एक तरफ ऑक्साइड और एक तरफ सेमी कंडक्टर <coughs> यहाँ पे हमने पी टाइप का सेमी कंडक्टर ले लिया ओके तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे मेरा जो फर्मी लेवल है वो एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली अलाइन करता है तो जो मेटल का फर्मी लेवल है ई एफ एम हम जानते हैं कि वो एग्जैक्टली exactly मेटल के सरफेस पे लाइक करता है तो ये रहा इसका फर्मी लेवल क्योंकि यहाँ पे पी टाइप का मटेरियल है सेमी कंडक्टर है तो इसका जो फर्मी लेवल है ई एफ एस वो लाई करेगा वेलेंस बैंड के नियर तो दिस इज ईवी वेलेंस बैंड उसके नियर इसका फर्मी लेवल लाइक कर रहा है ई एफ एस क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ये फर्मी लेवल दोनों तरफ के अलाइन होने चाहिए एक डायरेक्शन में होने चाहिए एक लाइन में होने चाहिए दैट्स द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस ठीक है क्यू ऊपर जो वैक्यूम है वहां से द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर टू वैक्यूम ठीक है वर्क फंक्शन जिसको हम पढ़ते थे वर्क फंक्शन दिस इज फॉर मेटल क्यू फाइव एंड दिस इज फॉर सेमी कंडक्टर क्यू फाइव ई सी हो गया इसका कंडक्शन बैंड और ईसी और ईवी के मिड में आ गया आपका इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल ईआई ठीक है सो दिस आर द वेरियस एनर्जी लेवल्स मेटल के एनर्जी लेवल ऑक्साइड का हमने कुछ शो नहीं किया जरूरत नहीं है और सेमीकंडक्टर के एनर्जी लेवल्स सो दिस इज द यू कैन से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉस कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम्स नाउ व्हाट हैपेंस इज जो हम गेट पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन दैट वोल्टेज वीजी आपका जो मॉस कैपेसिटर है वो तीन डिफरेंट मोड्स में काम करता है अक्यूमुलेशन मोड डिप्लीशन मोड एंड इनवर्जन मोड ठीक है बारी बारी से इन तीनों मोड्स को हम चेक करेंगे सबसे पहले देखिए अक्यूमुलेशन मोड क्या होता है तो जब आपका वीजी जो है गेट वोल्टेज वेन इट इज नेगेटिव ओके वेन द गेट वोल्टेज वीजी इज नेगेटिव दिस इज लेस देन द फ्लैट बैंड वोल्टेज वी एफ बी वी एफ बी इज दैंड वोल्टेज इज द वोल्टेज एट विच तो जब आपका वीजी नेगेटिव हो जाता है गेट वोल्टेज और फ्लैट बैंड वोल्टेज से कम होता है उस समय पे देखो जब वीजी नेगेटिव होगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव की लेयर आ जाएगी नेगेटिव चार्ज क्या करेगा पी टाइप के सबस्ट्रेट में से पॉजिटिव चार्जेस को उठा करके ऊपर इकट्ठा कर देगा शन हो जाएगा पॉजिटिव चार्जेस का जिसको हम कहते हैं अक्यूमुलेशन मोड ठीक है इन रिस्पॉन्स एन इक्वल नेट पॉजिटिव चार्ज विल एट द ऑफ इन दिस केस पी टाइप सबस्ट्रेट दिस अकर्स बाय होल एट द सेमी कंडक्टर ऑक्साइड इंटरफेस तो सेमी कंडक्टर और ऑक्साइड ऑक्साइड ले रहे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की तो so, इन दोनों के बीच का जो इंटरफेस है वहां पे क्या होगा आपके होल्स इकट्ठे हो जाएंगे क्यों क्योंकि उनको एक अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही है किससे मिल रही है जो गेट पे हमने नेगेटिव वोल्टेज लगा रखी है उससे ठीक है सो इस मोड ऑफ ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं अक्यूमुलेशन मोड अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम्स के टर्म्स में बात करें तो कुछ इस तरीके से अब हमारा ये सिनेरियो होगा यहाँ पे अक्यूमुलेशन और होल्स की वजह से ये जो बैंड बैठ जाएंगे कुछ इस तरीके से बेंडिंग शो करेंगे ठीक है और जो फर्मी लेवल अलाइन थे वो भी अब हट गए बाय एन अमाउंट क्यू वी देखो मेटल का फर्मी लेवल ये रहा क्योंकि ये बैंड्स नीचे की तरफ बेंड हुए हैं तो जो ई एफ एस था सेमीकंडक्टर की साइड वाला वो थोड़ा नीचे खिसक गया और इन दोनों के बीच में गैप आ गया तो दिस इज द अक्यूमुलेशन मोड एनर्जी बैंड डायग्राम की तरह से आप ऐसे शो कर सकते हो अक्यूमुलेशन की वजह से बैंड्स की बेंडिंग हो गई है और इन दोनों के बीच में गैप आ गया जो कि पहले अलाइंड थे नेक्स्ट इज द डिप्लीशन मोड सो डिप्लिशन मोड कब आता है डिप्लिशन मोड तब आता है जब आपका वीजी फ्लैट बैंड वोल्टेज से तो बड़ा हो जाता है इट बिकम्स पॉजिटिव ग्रेटर देन फ्लैट बैंड वोल्टेज बट इट इज लेस देन द देश होल्ड वोल्टेजी ठीक है सो योर गेट वोल्टेज वोल्टेजी पॉजिटिव जब ये पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा आपका जो पूरा मेटल का प्लेट था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो ऊपरियल है उसमें से जो माइनॉरिटी दिस रीजन डिप्लीशन रीजन ये डिप्लीटेड जो अन्योरिटीज uh, होती है विल कलेक्ट हेयर Like उनपेटिव चार्ज होता है अगर आपको फर्स्ट यूनिट का थोड़ा ध्यान हो तो ठीक है हमारे uh, acceptor ions कैसे बनते हैं एक्सेप्टर आयन कोई भी तब बनता है जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और जब वो इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक्सेप्ट करेगा तो उस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है ठीक है दिस इज माई

देखिए लास्ट पॉइंट लिखा है दिस इज एनलॉगस्ट टू द डिप्लीशन रीजन एट द पीएन जंक्शन जैसे पीएन जंक्शन डायवर्ड में डिप्लीशन रीजन बनता है वैसे ही यहाँ पे डिप्लीशन यह रीजन सेम बना है उसका नाम रखा गया डिप्लीशन मोड अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम्स के टर्म में बात करें तो डिप्लीशन मोड कैसा दिखेगा तो डिप्लीशन अक्यूमुलेन में क्या हो रहा था ये ये बैंड्स नीचे की तरफ प्रेस हो रहे थे डिप्लीशन मोड में ये जो बैंड्स है ये ऊपर की तरफ इस तरीके से पाउंस हो रहे हैं ठीक है तो अब देखो क्या होगा ई नीचे रह गया दिस इज द फर्मी लेवल ऑफ मेटल साइड ई और ई जो सेमी uh, कंडक्टर के साइड का फर्मी लेवल था वो ऊपर चला गया ऊंचा उठ गया अगेन बाय समिफरेंस क्यू बी ठीक है और इन बैंड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बेंडिंग हो गई बैंड्स की फाइनली जो आपका लास्ट मोड आता है दैट इज इनवर्जन मोड इनवर्जन मोड कब कहते हैं जब हम VG को पॉजिटिवली इंक्रीज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ठीक है तो VG को हम पॉजिटिवली बढ़ाते जा रहे हैं और हमने इसको थ्रेशहोल्ड से ऊपर ले गए थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से भी ऊपर ले गए तो देखो क्या हुआ VG की जो प्लेट थी जो मेटल प्लेट थी उस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया उसकी वजह से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ गए अब पी टाइप का जो मटेरियल था उसके अंदर जो माइनॉरिटी कैरियरस थे इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने डिप्लीशन लेयर के जस्ट अबव एक अपनी लेयर बना ली तो अगर हम देखें तो ये क्या बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर बीच में डिप्लीशन लेयर और यहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर ठीक है ना तो बेसिकली अगर हम बैंड वाइज देखें तो देखो क्या हो रहा है अगर हम बैंड वाइज देखें तो कुछ ऐसा होता है जिसको हम इन्वर्जन कहते हैं हम क्या कर रहे हैं वीजी को पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहे हैं और आपको जो वीजी है वो थ्रेश वोल्टेज वीटी को क्रॉस कर गया तो ये जो बैंड्स हैं इनकी बैंडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो आपके फर्मी लेवल पे पहुंच गए जो ये फर्मी लेवल है इट गेट्स ऑक्यूपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ठीक है कैसे यहां से आपने देख लिया इस स्ट्रक्चर से देख लिया जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पुल होके पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिप्लीशन लेयर के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं ठीक है ना <coughs> तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वर्जन हुआ है इसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है कंडक्शन बैंड में इट गेट्स इंक्रीज एंड दिस मोड इज कॉल्ड इनवर्जन मोड ठीक है तो ये थे आपके तीन मोड्स मॉस कैपेसिटर के एंड दिस इज द सीवी कैरेक्टरिस्टिक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पूछी जाती है इस डायग्राम को एज इट इज बनाना एंड यू कैन ट्रस्ट मी यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स तो सीवी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कैपेसिटर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज है ना तो कैपेसिटर जो है C वो किस पे डिपेंडेंट है गेट वोल्टेज VG पे डिपेंडेंट है ठीक है तो हमने Y एक्सिस पे क्या लिया है कैपेसिटर C लिया है और X एक्सिस पे हमने क्या लिया है VG लिया है गेट वोल्टेज <coughs> तो देखो जो तीन मोड हमने इसके पढ़े वही तीनों मोड इस डायग्राम में मैंने डिपिक्ट किए हैं सबसे पहला यहां पे मार्क करो जीरो एक्सिस मार्क करो ठीक है इसके इधर ज वी एफ बी और उसके जीरो के उस साइड मार्क करो थ्रेश होल्ड वोल्टेज वी टी तो हम जानते हैं कि जब मेरी गेट वोल्टेज VG फ्लैट बैंड वोल्टेज से कम थी जब फ्लैट बैंड वोल्टेज से वेन VG वॉज देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है वेन VG वॉज लेस देन फ्लैट बैंड वोल्टेज जब वी जी मेरा वी एफ बी से कम था उस समय क्या हो रहा था अक्यूमुलेशन मोड था ठीक है ना Accumulation mode में मेरा capacitor काम कर रहा था तो यहां पे हम दो रीजन करते हैं स्ट्रॉ अक्यूमुलन का और वीक अक्यूमुलेशन का जैसे जैसे ये जीरो की तरफ बढ़ता है फ्लैट बैंड वोल्टेज से निकलता जाता है तो उस थोड़े से रीजन को हम क्या मार्क करते, है? मार करते हैं वीक अक्यूमुलेशन मार्क करते हैं ठीक है फिर आया आपका ये वाला मोड बीच वाला मोड जिसमें आपका VG VFB को तो क्रॉस कर गया फ्लैट बैंड वोल्टेज को तो क्रॉस कर गया लेकिन अभी भी वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो उस रीजन को हम क्या कहते थे डिप्लीशन मोड कहते थे ठीक है तो यहाँ पे VFB को आपने क्रॉस कर लिया और VT के बीच में VFB और VT ये जो दो आपके मार्कर पॉइंट्स हैं VFB VT इनके बीच में कौन सा मोड आएगा डिप्लीशन मोड आएगा ठीक है फाइनली जैसे ही आपका वीटी क्रॉस हो जाएगा वीटी क्रॉस होने के बाद आपका कौन सा मोड आ जाता है इन वर्जन मोड आ जाता है ठीक है यहाँ पे हमारे को दो तरह के capacitance देखने को मिलते हैं सी आई एंड सी डी मिनिमम तो हम जानते हैं कि जब भी दो कपैसिटेंस आपके पैरल में होते हैं तो उनको उनका क्या सॉरी जब दो कैपेसिटेंस आपके सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है इट इक्वल प्रोडक्ट अपॉन सम ठीक है तो दिस इज द कंप्लीट मॉस कैपेसिटर टॉपिक विथ सीवी कैरेक्टरिस्टिक तो सीवी कैरेक्टरिस्टिक में आप तीनों मोड्स एक्सप्लेन करें ये डायग्राम बनाएं और इनका बाइफर्केशन दिखाएं इस कर्व के थ्रू ठीक है अगेन दिस इज वन ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो देख सकते हो आप प्रॉपर्टीज ऑफ मॉस कैपेसिटर आया हुआ है एक्सप्लेन अक्यूमुलेन डिप्लीशन एंड इनवर्जन मोड विद एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर मॉस कपैसिटर तो जब भी ये कहा जाए कि एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है तब आप इन वाले डायग्राम्स का सहारा लेंगे जो मैंने आपको बताए थे ठीक है अदरवाइज अगर एनर्जी बैंड डायग्राम्स का स्पेसिफिकेशन नहीं है तो जो आपके नॉर्मल डायग्राम्स हैं आप इनको भी यूज कर सकते हो सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द वन शॉर्ट ऑफ यूनिट नंबर फाइव और पीडीएफ नोट्स जो हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा